राम जी आने आज पैर छू रही है गज्जब। इधर 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 बेस्ट ऑफ लक बेबी, बेस्ट ऑफ लक आ रहा है। आप लेके जा रहे हैं? आप का है ना, ये बोतल भी डालो इसमें। अब इसकी लेस बांध दो। आज है बच्चों का पहला पेपर। बाय बिट्टू। आज हेल्पर दूसरे लग रहे हैं ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग समझते होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी समझते स्वस्थ हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। टाइम 10 बज गया है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। आज पता नहीं मैं कैसे लेट हो गई हूँ। और आज से हैं आरावान्य के एग्ज़ाम और वो भी चले गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और 1 बजे तक आ जाएंगे घर पर। रावत जी चले गए ड्यूटी और काम अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और आज बनाऊँगी मैं, क्या नाम बोलते हैं उनको, खजूर, क्योंकि वो आटे के बनाऊंगी, आटे सूजी के। और जो मैदे शक्कर पारे नमक पारे बनते हैं ना, ये मैदे से, तो मैं मैदा यूज़ नहीं करने वाली। तो मैं आज केवल खजूर बनाऊंगी। इस बार मैं मीठा हमने ज़्यादा खा लिया इस बार, तो इस बार गुजिया नहीं बनेंगे और मैं नमक पारे भी नहीं बनाऊँगी और शक्कर पारे भी नहीं बनाऊँगी। इस बार मैं केवल आटा और सूजी का यूज़ करूँगी। और सूजी के बिस्किट भी मैंने कल देखे थे निशा मधुलिका जी के, तो देखती हूँ कि मेरे से सही बनते हैं कि नहीं। जब तक आरावान है स्कूल से आएंगे, इससे पहले मैंने खजूर बनाने सोच रही हूँ कि इससे पहले मेरे खजूर बन जाए। नहीं तो ना वो डिस्टर्ब करते हैं कि मम्मा इस सेब के बनाओ, सेब के बनाओ, और मैं परेशान हो जाती हूँ खड़े हो के। तो इससे अच्छा उनके स्कूल से आने से पहले पहले मैं अपना काम निपटा दूँगी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आज मैंने बाल धोने हैं अपने, आज मेरा फास्ट है मंडे का। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और मैं नहा गई और स्किन ना आजकल एकदम ड्राई ड्राई हो रही है। इतनी ड्राई तो सर्दियों में भी नहीं हुई थी। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी, थोड़ा नीचे से फूल पूजा के लिए। तो दोस्तों टाइम ना 12:03 हो गया है और मेरा काम निपट गया है। और अब मैं जल्दी से बना दूँगी खजूर आरावाने, क्योंकि 1 बजे के आसपास आएंगे। तो इससे पहले मैं अपने खजूर बना देती हूँ। सबसे पहले मैं ना इस बार चीनी पीस लेती हूँ। और चीनी में ही मैंने इलायची डाल दे रही हूँ। कितनी है ये, 4, 4, 8, 9, 10 इलायची हरी वाली। और इसको फिर से पीस लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने इतनी चीनी पीस ली, कम से कम कितनी होगी, 350 ग्राम तो होगी इतनी मैंने चीनी पीस ली है। पीस के थोड़ा ज़्यादा लग रही है ना। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी और आटा। ये डी मार्ट का लोकल वो ऐसा रखा हुआ है सूजी, तो ये 500 ग्राम डाल देते हैं इसमें। आटा देखना, ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ ये वाला, तो मैं उत्तम सूजी ही लाती हूँ। और मैंने ना इसमें 1/2 kg के आसपास मैंने आटा डाल दिया। अब मैं मिक्स करूँगी। और मेरे पास मटेरियल हो गया है ज़्यादा, और ये क्या नाम है जिसमें मैं आटा लगाऊँगी ना, परात की हो गई है छोटी, तो इसको मैं मिक्स करके इसके 2 हिस्से कर दूँगी। फिर ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल डालूँ। तो रिफाइंड मैंने यहाँ पे कटोरी भर के लिया है एक, इतना तो लग जाएगा इसमें आराम से।
वो भी है ना, मैंने एक ही उसमें ये सही से मिक्स नहीं हुआ तो इसलिए मैंने इसको दो बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। ये वाली परात भी छोटी पड़ रही है तो पहले मैं इधर इसको लगा देती हूँ आटा। और मोइन के लिए मैंने ऑयल थोड़ा और डाला था तो जो थोड़ा कम हो गया था अब सही है। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। और जब तक बच्चे आएंगे मैं, मुझे लगता नहीं कि तब तक मैं बना पाऊँगी, उसके बाद ही शुरू करती हूँ फिर। वो भी आने में 12:30 से ऊपर हो गया है टाइम। 1:09 हो गए, बच्चे अभी भी नहीं आए। मैं बाहर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी उनका, लेकिन वो आए नहीं। फिर मैं अंदर आ गई, गर्मी इतनी हो रही है बाहर। आ गए उनकी बस। क्या हुआ था बस को? बड़ी बस आई थी, अंकल बोल थे। मैंने अभी अंकल को फ़ोन किया था। हाँ? क्या हुआ बस को? आ रहे हो आज? आरब को गेट बंद करना पड़ा। मेरा लेजी बॉय, हाय राम। आनो, आप जब पहले आती हो ना तो पहले ही गेट बंद कर दिया करो, ठीक है? कल से, ठीक है बाबू? पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सारा आ रहा था। कितने छोड़े? क्या अच्छा कैसे हुआ फिर? कुछ परेशानी क्यों हो रहा? परेशान है अरे। आपका कैसा हुआ पेपर? पेपर कैसा हुआ? बोल रहा था कि कैसा रहा? 0 मार्क्स। हाँ अरे, मार्क्स का पेपर कैसा रहा पेपर? भाई ऐसा बोल रहा कि कैसा रहा 0 मार्क्स का पेपर। अच्छा है, कितने छोड़े? 0। सारे आ रहे थे तुझे? कुछ कुछ नहीं आ रहे थे। कितने नहीं आ रहे थे? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ना? वो तो नहीं था, वो नहीं आया था। फिर तेरे को 2 नहीं आ रहे थे क्यों? एक पर कपड़ा दो पैसा करता है बस। अन्य किस्म का रैपर फेंक रही थी बस में। बस में नहीं फेंकते। किसी के रैपर डाला था मेरे कान में, बोल हुई कान को डाला मैंने। तो दोस्तों इनका यही है, आएंगे घर पे बाद में, पहले इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, पूड़ी बना देती हूँ, तो बोला हमें नहीं खाना है। उन्होंने खाया आज स्कूल की कैंटीन में। मैंने नहीं खाया। अनिल ने नहीं खाया, लेकिन ये खा भी नहीं रही। बना देती हूँ मुझे? नहीं खा रही है। तो मैं बना देती हूँ अभी खजूर, तो खजूर ही खा लेंगे। और इनको दे देती हूँ मैं लस्सी बना के। और ना एक चीज़, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि लंच नहीं होगा इनका, तो इसलिए मैंने दिया नहीं था उनको, घर से खिला के भेजा था। तो आरा बोला कि सर ने बोला कि आज आप कैंटीन में ही खा लो, तो अभी मैं सर से बात कर लूँगी। तो अगर कुछ पेमेंट करनी होगी तो फिर वो कर देंगे। और इसने तो खाया नहीं कुछ, नहीं केवल बोला चॉकलेट खाई, ऐसे मैंने घर से खिला के भेजा था दोनों। दोस्तों मैं ना अब मिलती हूँ आप लोगों से अपने खजूर बनने के बाद। दोस्तों बना दिया मैंने और टाइम ना अभी 2:30 बज गया है, ठीक है? 1 घंटा लगा मुझे खजूर बनाने में। मैं बताती हूँ मैंने कौन से शेप के बनाए इस बार। इस बार मैंने गोल बनाए, सर्कल में, ऐसे सर्कल में बनाया मैंने सिंगल में। और ऐसे एक करंची है। तो दोस्तों टाइम ना 4:30 हो गया और मैं सो के उड़ गई। और ये भी मैंने डिब्बे में रख दिए हैं इतने सारे। और आरब खा रहा है। आरब कैसे हो रहे हैं? यम्मी हो रहे हैं। और मैंने उनको बनाने के बाद मैंने धोए थे बर्तन, खूब सारे बर्तन हो गए थे। फिर मैं सो गई और अभी उठी हूँ सो के। फिर मैंने डिब्बे में रख दिए क्योंकि मैंने कहा कहीं चींटी ना लग जाए उन पर। मेरे यहाँ तो चीटियों की बड़ी दिक्कत है। और बच्चों बता, खाओगे भी ना एक सामने खाना, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी गिर जा रहा है ना तो तुरंत चीटियाँ आ जा रही हैं।
दोस्तों मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में, पहले मैं चाय बना लेती हूँ। बाहर आ गई तुरंत भैया को डिस्टर्ब करने, कितने अच्छे से भाई उसका बाहर एक कोने पे बैठा हुआ था, आराम से खा रहा था। गजब की आंधी तूफान, हवा चल रही, पूरी घर में धूली धूल भर गई है। तो लाइट चली गई है और आरा बने यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि घर के अंदर अंधेरा हो गया है। मैं भी यहीं पे बैठ गई नीचे। दोस्तों मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।